ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मंत्र जो कि आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति करा सकता है, एक ऐसा मंत्र जो आपके भंडार भर सकता है रातों रात। देखिए, दो रास्ते होते हैं, एक आध्यात्म का और दूसरा जो है इस जीवन को जीने का। अगर आप चाहते हैं आप इस जीवन का आनंद लेना, मोह माया में फंसना, तो ये एक रास्ता हो गया। दूसरा है कि सत्य की तलाश में आप अपने आप को जाने और क्षणिक आनंद में अपना जीवन व्यर्थ ना करें, बल्कि परमानंद की प्राप्ति के लिए उसकी खोज करें। तो आपको देखना है कि आपको किस तरफ जाना है। तो ये जो मंत्र है ये उनके लिए है जो चाहते हैं इस जीवन को जीना और क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक सुख के लिए आतुर रहते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन परमानंद, ये ध्यान मंत्र, इनसे कोई उनका मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं, लेकिन वो चाहते हैं इस जीवन को जीना। वो चाहते हैं कि अगर इस धरती पर आए हैं तो जी कर जाएंगे और उनका कोई भी जो है मतलब नहीं होता दूसरी तरफ जाने से। तो ये भी अच्छी बात है, अगर आप इस तरफ चल रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर उस तरफ चल रहे हैं तो भी अच्छा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मंत्र जो कि आपकी ज़िंदगी भर धन की कमी को पूरा करता रहेगा, आपको इतना धन देगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। अनजान रास्तों से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। बस ये जो मेरा मंत्र है इसको रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर कि आपके पास पैसे कम हो जाएं। अगर 10 रुपये खर्च करोगे तो 50 रुपये आपको मिलेंगे। ये समझ लीजिए कि अलादीन का चिराग आपको मिल गया है। तो मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग जो है शुक्रवार के दिन आपको करना है। इसके बाद आपको प्रतिदिन जब तक आपको धन चाहिए तब तक इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके, एक माला, दो माला, जितनी माला आप कर सकें, यथासंभव जितना संभव आपसे हो सके उतना आप इसका जाप करें। और इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसमें ध्यान एक लय में आता जाएगा आपका, आपको ये अच्छा लगने लग जाएगा। इसको आप करते करते आप जब इसको महसूस ही नहीं कर पाओगे कि आपने 10 मालाएं कर ली हैं, 20 मालाएं कर ली हैं, उस समय पर ये अपना फल देना शुरू करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मैंने 10 मालाएं कर ली और कल मुझे धन मिल जाएगा, हाँ कई केसेस में होता है कि मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली 90% केसेस में होता है कि एक दो दिन में कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने इस मंत्र का गुम्फन किया है तो धन आपको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो जब भी कोई मंत्र करें तो वो एक भावना अपने अंदर रखिए। मानता हूँ आप इतना समय नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आपको इसकी ऊर्जा को संभाल के रखना होगा। उस एक खुशी होती है ना मंत्र करते हुए कि इसका रिजल्ट मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको, उसको टूटने मत देना। उस एक आस को, उस एक विश्वास को अपने पास रखिए और वो जो विश्वास है वो इसमें बल, इस मंत्र को बल प्रदान करेगा और आपका जो मनोरथ है वो जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगा। तो आपकी जो इष्ट हैं वो प्रसन्न होकर आपको ये सब देंगे। तो मंत्र आप सुन लीजिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्व ध्व। ये आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जाप करना है हर रोज़। जैसे सुबह उठे मातेश्वरी को प्रणाम कीजिए और फिर मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। 10 बार कर लीजिए, 20 बार कर लीजिए, 1 माला कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए, जितना आप कर सकें। बस स्मरण कीजिए मातेश्वरी का कि मातेश्वरी, हे परमेश्वरी, मुझे थोड़ा धन चाहिए, मेरे इतने सारे व्यय हैं, ये इतना सारा मेरा बिल आ रखे हैं, उन सब के निपटारे के लिए मुझे ये पैसा चाहिए, आप कैसे भी करके दीजिए, मैं आपका स्मरण करता हूँ। जैसे भी आप मातेश्वरी को प्रसन्न कर सकें, बस उसी प्रकार से आपको
सच्चे दिल से वो बातें कह देनी है। रोज़ कहिए, सुबह उठते ही साथ प्रणाम कीजिए, कहिए कि आज के मेरे दिन अच्छा जाए, मातेश्वरी मुझे ये चाहिए, बिल्कुल जैसे अपनी मम्मी से मांगते वैसे मांगिए, और आप देखेंगे कि एक नाटकीय रूप से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी जीवन में जो है मातेश्वरी आ गई है, और जहाँ मातेश्वरी आ जाती है वहाँ पर भंडार भर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, भंडार भर जाते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप अगर एक चीज़ को हाथ लगाओगे तो 10 चीज़ें आपके सामने खड़ी होंगी। तो जिनके जीवन में बिल्कुल ही कंगाली छा रखी है, वो एक बार इसको ज़रूर करें, और मालामाल होकर मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मेरा नंबर है 999-284-1625। अधिक जानकारी के लिए इसका, अगर आपको मंत्र लिखा हुआ चाहिए तो जाइए searchstops.com पर, वहाँ पर इसकी ऑडियो भी आपको मिलेगी, इसकी वार, तिथि, नक्षत्र, और कब ये आपको करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियाँ हैं, वो सारी मैं वहाँ पर आपको भेजूँगा। searchstops.com पर जाके आप सर्च कर सकते हैं इस मंत्र को, मणि मंत्रास लिखिएगा तो वहाँ पर आपको ये मंत्र मिल जाएगा। और जैसा ही आपको कोई अच्छा सा रिज़ल्ट मिले, अगर ना मिले तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनका संग्रह होकर एक ऐसी बुक बनेगी जिसकी तलाश आप सबको रहेगी। तो उसको कंप्लीट करने के लिए मेरा सहयोग करें और मुझे बताइए कि कौन से मंत्र काम करते हैं, कौन से नहीं। धन्यवाद।